आप हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जनता इतने उत्साहित है, जनता पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी उत्साहित है भगवान राम के दर्शन के साथ साथ, तो उस सेंटिमेंट्स को आप क्या नकार देंगे क्या? नहीं, मैं किसी के उसको नहीं, मैं किसी के सेंटिमेंट भी नहीं नकारता हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सबके अपने अपने सेंटिमेंट, अपना अपना सोच, जितना बौद्धिक विकास, कोई मानसिक विकास, उस हिसाब से अपने सब बातें करते हैं। देखिए, जनता कहीं इनसे तो आकर्षित उसी मानसिक नहीं विकास है। के साथ ही तो वोट देने जाएंगे ना वरुण पुरोहित जी। मैंने कहा ना आपको, मैंने कब कहा किसी का विकास कम हुआ ज्यादा हुआ ना? अपना अपना विकास, अपना अपना, मेरा मेरे हिसाब से चलूंगा, ये अपने हिसाब से कोई चलेगा, हाँ मैं उस पर नहीं, किसी को ओवरलैप करने का प्रयास ही नहीं करता हूँ, जैसे आज की भाजपा करती है। ये चाहे जैसे सोचो, ये चाहे जैसे कैंडिडेट लड़ाओ, ये चाहे जैसे रणनीति बनाओ, मैं उसको कतई उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हाँ आपको फिर कह रहा हूँ, अयोध्या क्यों जा रहे हैं? चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, ये भी जांच करनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को। आपने दिखाए बड़े बड़े अरे होर्डिंग लग रहे नहीं हैं, तो तो वरुण किसके पुरोहित खाते जी में क्या जाएगा उसका चुनाव प्रचार पैसा? से किसी को पैर रोके क्या अभी? और अयोध्या भी नहीं एक नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिमिटेशंस है, अयोध्या भी एक लिमिटेशंस सीट है। है अनुराग सिंह जी, लिमिटेशंस है। आप धार्मिक भावनाओं को लेते हो नहीं लेते हो, कितने ना होर्डिंग लगाते हो, सबकी हाँ गिनती होती है, पैंपलेट भी पर्चे बांटते हैं, उसकी भी गिनती होती नहीं है। ठीक ये है, आप विपक्षी उसको पार्टियों को देख अपने ले तरीके से दिखाइए। और मुझे लगता है कि वरुण पुरोहित साहब आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आप तो इसको जी। चुनाव आयोग के सामने उठाइए अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है मैंने कहा तो। ना विपक्षियों को उठाना हाँ चाहिए। अब मैं तो अगर कांग्रेस का अध्यक्ष होता तो मैं कर देता सब काम ठीक, ठीक है मैं मना थोड़े कर रहा हूं, लेकिन ये तो विपक्ष को उठाना चाहिए। ठीक है, मैं हम आशुतोष तो महाराज जी आपके पास आता हूँ। अनुराग अच्छा, जी छोड़ो, धनंजय आप गिरी भी जवाब छोड़ो। देना चाह रहे हैं, धनंजय गिरी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष महाराज के पास जा रहा हूँ। धनंजय गिरी प्लीज। वरुण जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता तो सब ठीक कर देता, हाँ यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष ठीक काम नहीं कर रहा है। अब जिस पार्टी का अध्यक्ष ही ठीक काम हाँ नहीं कर रहा है, उसका क्या स्थिति होगा और वो चुनाव नहीं, क्या और लड़ेंगे और मैं क्या आपको धनंजय उसका गिरी रिजल्ट इससे ज्यादा आएगा? इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। धनंजय जी, जिस राम के अस्तित्व को कांग्रेस पार्टी नकार देती है उसको लेकर धनंजय, माफ कीजिएगा, वरुण पुरोहित बता रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और उनका आचरण और उनका उनका अनुसरण सबको करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कभी अस्तित्व को नकार देता था। वरुण पुरोहित ये प्रसाद प्रकार लेकर भी लोग बैठे हुए हैं। वरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जी फराज किदवई जी के पास जाऊं, हाफिज नूर अजहरी जी के क्या पास से क्या जाऊं, हो गई मैं बहुत कांग्रेस जल्दी के से अध्यक्ष आशुतोष महाराज जी आपके पास आता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं, वाकई में ये जो सेंटिमेंट्स हैं जो अयोध्या में दिख रहे हैं, क्या ये देश की जनता के सेंटिमेंट्स नहीं है सर? आप चूंकि संत भी हैं, कई लोगों से आप मुखातिब भी होते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, आपको लोगों का मन किस तरह का दिखता है? राम मंदिर का कोई इंपैक्ट है या नहीं? देखिए, मंदिर राम का जो अच्छा, आशुतोष महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आपकी ऑडियो ठीक करवा के एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। हमारे साथ फराज किदवई जी जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। फराज जी, आप जब भी मंच पर होती है भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को तो पुरजोर तरीके से भुनाती है कि देखिए साहब, हमने तो निमंत्रण दिया था लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण में आप लोग नहीं जा पाए, और जबकि आप भी ये जानते हैं कि एक एक बड़ा मास, एक बड़ा वर्ग जो है वो भारत में, वो ये चाहता था कि मंदिर बने। तो अगर उन लोगों के सेंटिमेंट्स को आप मंदिर ना जाकर हट करें तो वो सीधे तौर पर वोट के तौर पर तो बीजेपी को फायदा देगा। अनुराग जी, राम राज की कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की थी, जी और उन्होंने वहां उस रामचरितमानस में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, अल्प मृत्यु नहीं कौनों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, नहीं को अबुद न लच्छन हीना। अब आशुतोष महाराज जी नहीं बैठे, इसका मतलब यह है कि जो राम राज की परिकल्पना है उसमें छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है। इकोनॉमिक सर्वे की किताब मैं आपको दे दूंगा, उसके पेज नंबर 180 पर पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में 18 स्टेट्स का वहां पर सर्वे हुआ था जिसमें 16वें नंबर पर है। अल्प मृत्यु नहीं कौनों पीरा, यानी कि छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उत्तर प्रदेश 36 स्टेट्स में से 36वें नंबर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा खाली वोट लेने के लिए करती है और कुछ नहीं। अनुराग जी, दूसरी बात यह है कि जी प्रधानमंत्री जी को अपनी हार का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो देश के 20 करोड़ नागरिकों को कभी कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, कभी मंगलसूत्र के ऊपर आ जाते हैं। आज और अभी लेटेस्ट एंट्री अनुराग जी पाकिस्तान की हो गई, ये वही पाकिस्तान है जिसको 2014 से पहले ग्लोबल फॉर्मेट पे हम लोगों ने इररेलेवेंट कर दिया था। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेस में, अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम ले रहा है नहीं और फराज पूरी किदवई जी, दुनिया के पटल पर आप पाकिस्तान का राजनीतिक नाम तौर पर वहां पर समझ सामने बहुत रखा अच्छी है। रखते हैं और आपकी बातें, आपके मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन फिर अगर आप राजनीतिक समझ हाँ जी, रखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि भारतीय नहीं जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर जब जब चुनाव में गई उसको फायदा हुआ है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक उसका रहा है जिसने उसे वोट किया है। तो आप जिन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में जाने की बात करें या उत्तर प्रदेश को कमतर दिखा रहे हैं, वो मुद्दे हो सकता है कि जनता के मन में हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लोगों के मन पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा, इस बात को राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं। अनुराग जी,
भारत की एक संस्था है, मैं विदेशी किसी संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लोक नीति और सीएसडीएस का एक सर्वे आया है, आया था, मुझे 100% यकीन है कि आपने भी उसको पढ़ा होगा, हो सकता है आप उसका यहां पर जिक्र ना करें। देखिए, राम में आस्था भारत के 140 करोड़ लोगों की है, मैं 140 करोड़ बोल रहा हूं, क्योंकि एक शेर है ना जिसमें कहा गया है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन उनको कहते हैं इमाम हिंद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अगर आदर्श बना करके, मैं मुसलमान हूं, मैं उनको आदर्श बना करके अपनी जिंदगी जीऊंगा तो शायद मेरा जीवन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है, ये जो देश को तोड़ने की पॉलिटिक्स करती है, प्रधानमंत्री जी को आज की तारीख में अनुराग जी पूरा अंदाजा हो गया, उनका इंटरनल सर्वे है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, उनका इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का लीक हुआ है, जिसमें उनके इंटरनल सर्वे में बोलते हैं कि इनकी सीटें 2200 से कम होने जा रही है। लेकिन वो 400 की बात करते ना कि भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आपको इंटरनल बातें कहां से पता चल रही है। एक मिनट उस पर जवाब दे रहे धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष महाराज और फिर एसआरजी जी के पास जा रहा हूं। अभी तो दो चरण का चुनाव ही हुआ है अनुराग, तो जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले चौपाही याद करने लगे हैं, चार जून आने दीजिए, ये मंदिर भी जाने लगेंगे, ये दिन दूर नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी दो प्रॉब्लम नहीं है सरकार। लेकिन किदवाई साहब राम मंदिर के निमंत्रण पर अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं जाऊंगा मंदिर और अपने पूरे कैबिनेट, अपने पूरे नेताओं के साथ जाऊंगा, वो हुआ नहीं सर। जानते तो वो बीजेपी कहती है कि आपको सिर्फ एक वोट बैंक को छिटक जाने का डर है, इसके चलते आप राम मंदिर के दर तक नहीं जा पाए। टर्म का अनुराग जी, मैं इसका जवाब देता हूं, देखिए जल्दी से किदवाई साहब, जल्दी से धनंजय गिरी जी आ रहा हूं आपके पास, किदवाई जी जवाब दे रहे हैं, किदवाई जी प्लीज जल्दी से। देखिए अनुराग जी, अगर अजहरी साहब हमसे बोलेंगे कि फराज किदवाई साहब आपकी उम्र जो है वो 45 साल से ज्यादा हो गई, अब आपको हज कर लेना चाहिए, तो मैं अजहरी साहब के कहने से हज थोड़ी ना करूंगा। मुझे जब अल्लाह ताला बुलाएगा वहां पर, तब मैं हज करने जाऊंगा और मैं 100% जाऊंगा आपके। अच्छा, पर मैं किदवाई साहब आपकी बातों को यहीं समाप्त करता हूं, मैं गिरी साहब आ रहा हूं आपके पास भी, मैं आपकी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। होता क्या है सर कि किसी के घर का अगर इनॉग्रेशन हो ना और आपको निमंत्रण जाए तो आपको जानना चाहिए, हो सकता है आपको अपना मानकर बुला रहा हो और फिर आप तो इस पर सियासत करते रहे, ऐसा कोशिश करते रहे कि उनको वोट ना मिले, तो फिर उस हिसाब से आपको दूसरों के सेंटीमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आशुतोष महाराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष महाराज जी, क्या राम मंदिर वाकई में संतों के बीच में तो मुद्दा होगा, लेकिन आप आम लोगों से, अपने भक्तगणों से भी बात करते तो उनके बीच में मुद्दा दिखता है क्या? देखिए, राम मंदिर पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए, अगर राम मंदिर पे कोई प्रश्न उठाता है तो राष्ट्र ऊपर उठाता है, संप्रदायता एकता के ऊपर उठाता है, तो राम नहीं है, हम भाई के हैं, लखों के करोड़ों के हैं, और सनातन धर्म की धरती रही है, जब काम किया जाता है तो श्री गणेश ने श्री किया था है, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री गणेश कर रहे हैं, अयोध्या में जाकर लला का दर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, आपकी आपकी ऑडियो अभी भी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस है, मैं उसको दुरुस्त करवा के फिर आता हूँ आपके पास। अजहरी साहब, लेकिन अगर इसको